बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आपका टीचर आसिफ शबीर। 8th क्लास की हिस्ट्री के साथ आज का जो दूसरा चैप्टर था वो अपने इख्तिताम को पहुँच गया। आज हमने उसके एमसीक्यूज़ के मुतालिक पढ़ना है। सबसे पहले देखें, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई 1863 में। उसके बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची के बानी कौन थे? हसन अली आफिंदी। उसके बाद 1886 में कायम की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, साइंटिफिक सोसाइटी, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो है कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद किस सन में रखी गई? तो ये है 1867 में। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1870 को किस शहर में पैदा हुए? दिल्ली में। देखिए ये हमारे एमसीक्यूज़ है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके ये पेज नंबर भी देखें सामने लिखे हुए हैं, 16, 17, 28, 16, 17। उसके बाद हमारे हैं ट्रू फॉल्स। सैयद अहमद ख़ान 1876 में मुलाजमत से रिटायर हुए, ट्रू है। 1943 में सिंध मदरसतुल इस्लाम को मुस्लिम कॉलेज बना दिया गया, ये भी ट्रू है। 1861 में सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद में फारसी मदरसा कायम किया, ये फॉल्स है। हिदमतुल उलमा को लखनऊ को 1890 में मोहम्मद अली कानपुरी ने लखनऊ में काम किया, ये भी फॉल्स है। दारुल उलूम देवबंद भारत के ज़िला सहारनपुर में वाक़ है, ये ट्रू है। अब आ जाए बेटा इस पे खाली जगह पर। सैयद अहमद ख़ान ने 24 मई 1875 को पहला खाली जगह एमयू हाई स्कूल की बुनियाद रखी। अंजुमन हिमायत इस्लाम की सरगर्मियाँ जो है वो मुस्लिम हकूक़ की जदोजहद का तसलसल थी। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर अंजुमन हिमायत इस्लाम ने 1892 में कायम किया। 1883 में अंग्रेज़ हुकूमत ने लोकल कौंसलों का निज़ाम मुतारफ़ कराया। सुबह सरहद खैबर पख्तूनख्वा के साहबजादा अब्दुल कयूम खान ने इस्लामिया पेशावर का संग बुनियाद रखा। देखिए अब ग्रामर का जो हमारा लास्ट हिस्सा है वो ये है, कॉलम मैच करना है। 1885 में कराची में इसका जो है वो पहले नंबरिंग देखें कर लें आप। 5वें नंबर पर है हमारे पास मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद अंजुमन हिमायत इस्लाम की बुनियाद 1884 में सिंध मदरसतुल इस्लाम कायम किया गया। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1886 में कानून साज असम्बली के मेंबर रहे। सर सैयद अहमद ख़ान 1878 से 1882 तक, उसके बाद जो है वो नाज़िम अव्वल मौलवी सैयद अहमद अली कानपुरी थे। निज़ातुल उलमा लखनऊ के बानी, और ये इसमें देखें जो हमारे पास है निदवतुल उलमा के लखनऊ के बानी वो हमारे पास आएगा 5, यानी नाज़िम अव्वल और मौलवी सैयद अहमद अली कानपुरी। बल्कि हाँ जी, उसके बाद सैयद अहमद ख़ान ने 1878 से 1883 तक। अभी आप इसमें ये करेंगे कि जो नंबरिंग है जो आपके सामने दी गई है इसको आपने एडजस्ट करना है, जो यहाँ पे नंबरिंग दी है इसको अभी आप हल करेंगे 5, 4, 2, 1, 3। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह क्लास में जब आप आएंगे तो उसके हिसाब से फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के निशान वगैरह भी लगवा दिए जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा आज हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। अगले तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।